हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने मूंग दाल की बड़ी बनाई है। तो उसकी मैंने आपसे बोला था कि मूंग दाल की मैं जो बड़ी बनाऊंगी उसकी सब्जी की रेसिपी भी दूंगी आपको। तो आज मैं मूंग दाल की जो बड़ी बनाई उसकी सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए आप लोग, कैसे पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोग कैसी लग रही है वीडियो तो बताइएगा जरूर, और सब्जी की रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल गर्म हो रहा है, और ये जो बढ़िया मैंने बनाई थी वो सूख कर ऐसी हुई है, ये देखिए। तो इसमें से आधी बड़ी बनाऊंगी मैं। तो पहले इसको तेल में मैं भूनूंगी और फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसमें पहले से ही जीरा और राई और हींग डाल रही हूँ। अब मैं इसको भून लूंगी, तेल गरम हो चुका है। वैसे बिल्कुल सिंपल बनती है इसकी सब्जी, और चाहे आप तो टमाटर की ग्रेवी वगैरह डाल कर भी बना सकती हैं। मैं भी बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, जैसे राजस्थान में सिंपल सब्जी बनती है वैसे बता रही हूँ आपको। तो बिल्कुल सिम, जो गैस की लो है उसको सिम करें और फिर इसको बिल्कुल लाल होने तक भून लें। तो ये भून गई है। एक बार मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, मसाला बना लेती हूँ। मसाले में ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, हल्दी डाल रही हूँ, जो बेसिक मसाले डलते हैं वो ही डाल रही हूँ। मिर्ची डाल रही हूँ, धनिया का पाउडर डाली हूँ, हींग डाई डाल चुकी हूँ, नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। को ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, मसाले बस सिंपल से डालूंगी। वापस गैस ऑन कर दूंगी। तो ये घोल मैं इसी में डाल लूंगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सब्जी है जो सिंपल बनती है, इसमें चाहे तो दही डाल सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल सिंपल ही बनती है सब्जी। पानी थोड़ा ज्यादा डालें जिससे ये सब्जी पानी ज्यादा सोखती है। और दोबारा जब मैं बनाऊंगी इसको टमाटर की ग्रेवी में, तो फिर उसकी भी मैं आपको रेसिपी जरूर दूंगी। तो बस ये उबल जाए और थोड़ी सी गल जाएंगी तो उसके बाद इसको उतार लेना है। सब्जी मेरी हो रही है, इतने में मैं आटा लगा के रोटी बनाऊंगी। बढ़िया हमारी गल गई है, हाथ लगाने से टूटने लगी है। तो ये हो चुकी है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे, पूरी सब्जी हमारी हो चुकी है। तो दोस्तों, लस्सी मैं रोज ही बनाती हूँ, मलाईदार लस्सी। गर्मी आते ही मेरे यहाँ मलाईदार लस्सी तो जरूर ही बनती है, तो मैं बना रही हूँ लस्सी।
इसमें ज्यादा मैं पानी वानी नहीं डालती हूँ, गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बनाती हूँ। ना तो मैं इसको मिक्सी में बनाती हूँ, ना मैं इसको बस केवल दही को ही घोल देती हूँ और फिर इसमें बर्फ डाल देती हूँ, तो बर्फ से इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी होना होता है वो हो जाता है। आइस क्यूब डाल दूंगी और फिर फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो ज्यादा गलते भी नहीं और ठंडे रहते हैं, गाढ़ी हो जाती है। ऐसी लस्सी घर में पसंद करते हैं सब, तो मिक्सी वाली लस्सी पसंद नहीं करते। अभी जो दूध में मलाई निकलती है ये डाल रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।